सभी एफएसएस फाइटर को मेरा नमस्कार। दोस्तों मैं महिपाल सिंह, आज सभी एफएसएस फाइटर को ये बताते हुए बहुत ही ज़्यादा खुशी हो रही है कि हमारे फाइटर सक्सेस सिस्टम ने हम सब के लिए एक बहुत ही खूबसूरत टूल लॉन्च किया है बिजनेस डेवलपमेंट के लिए, जिसके माध्यम से हम अपने बिजनेस को बहुत ऊंचाइयों पर लेके जा सकते हैं, जिसके अंदर बिजनेस का प्रोडक्ट प्लान, बिजनेस प्लान और फॉलोअप डीवीडी हमारे को मिलेगी। और मुझे उम्मीद है इस टूल का आप लोग भरपूर फायदा उठाएंगे, इससे पूरा सीखेंगे और इसमें जैसा बताया गया है वैसा अनुसरण करेंगे, क्योंकि ये डीवीडी हमारे SLPS के कामयाब लीडर्स के माध्यम से बनाई गई है। तो मैं उम्मीद करता हूँ इस डीवीडी को लेके और इसमें बताए गए अनुसार आप सीख के आप बहुत कामयाबी लेंगे और बहुत जल्दी SLPS वेलनेस के अंदर आप ब्रांड एम्बेसडर के लेवल को अचीव करेंगे। ओके, थैंक यू, विश यू ऑल द बेस्ट माय डियर फ्रेंड्स। हेलो सर, माई सेल्फ महिपाल सिंह। हेलो सर, मेरा नाम जोगिंदर सैनी है। जोगिंदर सैनी जी, विनय जी ने मुझे आपके बारे में बताया था, आप पिछले संडे को हमारे प्रोग्राम में आए थे और उन्होंने सर ने आपके बारे में बताया था कि आप बहुत ही समझदार और सुलझे हुए इंसान हैं, सामने वाले की बातों को ठीक से समझते हैं। और दूसरी बात यह थी कि जब आप अपने कीमती समय में से 2 घंटे का टाइम निकाल के हमारे प्रोग्राम में आए, प्रोग्राम को ध्यान से आपने देखा और समझा, लेकिन समझने के बाद भी सारी चीजें आपको अच्छी लगी, अच्छी लगने के बाद भी अभी तक आप शुरुआत नहीं कर पाए। मुझे ऐसा लगा कोई ना कोई ऐसी बात थी जो हम आपको पूरी तरीके से बता नहीं पाए या आप समझ नहीं पाए, तो मैं जरूर आपसे जानना चाहूंगा कि ऐसी कौन सी वो बात थी, कौन सी ऐसी प्रॉब्लम थी, कौन सा ऐसा डाउट था जिसकी वजह से आप डिसीजन नहीं ले पाए। सर, हम मिलकर शुरुआत करते हैं। सर, मैंने आपका प्रोग्राम देखा था, अच्छा लगा, लेकिन सर कुछ एक मेरे को सोचने के लिए समय चाहिए, इसलिए सर मैं आपको सोच के बताऊंगा। सर ठीक है, बहुत अच्छा लगा जोगिंदर सैनी जी आपसे बात करके आज, और मुझे ये कन्फर्म भरोसा हो गया कि मैं एक समझदार आदमी से आप बात कर रहा हूँ, कि जिंदगी में जब भी एक समझदार आदमी कोई भी डिसीजन लेता है तो सोच समझ के लेता है, क्योंकि सोच समझ के लिया गया डिसीजन आदमी को आगे बढ़ाता है, बिना सोच समझ के और जल्दीबाजी में लिया गया डिसीजन कभी जिंदगी में आदमी को आगे नहीं बढ़ाता है। और मुझे खुशी है आपसे मिलके कि आप हर डिसीजन जिंदगी का सोच समझ के लेते हैं। सर ये बात बिल्कुल सही है कि सोच समझ के ही लेना चाहिए, मैंने भी पहले ऐसे ही सोचा था, लेकिन सर सोचने की जो बात है, हम बात करते हैं कि हमें सोचना किस चीज के ऊपर है, वो हमारी चीज क्या है। हमें आज सोचने की जरूरत इस पे ये नहीं है कि हम SLPS के बारे में क्या सोचते हैं, सोचने की जरूरत ये है कि आज हमारे लिए SLPS वेलनेस क्यों जरूरी है, कि आज हमारी लाइफ के अंदर जो जो हमने सोचा था, सोचते हुए आप अपनी लाइफ में हमेशा हम आए कि कब, जिस दिन रात को सोते हैं हमेशा अपने बारे, बच्चों के बारे में सोचते हैं, अपने बारे में सोचते हैं, अपने माँ बाप ने हमारे बारे में सोचा होगा कि हमारा बच्चा पैदा होगा, फिर बड़ा होगा IAS बनेगा, डॉक्टर बनेगा, लेकिन सर सोचने मात्र से ऐसा होता तो हम आज IAS या डॉक्टर होते, हमारे बच्चे के बारे में सोचते हैं, हम हमारे बड़े घर के बारे में सोचते हैं, बड़ी कार के बारे में सोचते हैं, बड़ी लाइफ स्टाइल के बारे में हमेशा सोचते आए। सोच को पूरा करने के लिए हमें चाहिए सोर्स, और इस सोर्स को हम कहीं ना कहीं ढूंढते रहते हैं, और कई बार हमें लाइफ में अच्छा एक सोर्स मिल जाता है और कई बार हम उसको सोर्स को मिलने के बाद भी डिसीजन नहीं ले पाते, क्योंकि डिसीजन लेने में हमें लगता है डर कि आप, मैं मानता हूं आपका डर ये नहीं है कि करोड़ों रुपए की अपॉर्चुनिटी के सामने आपको 12-13 हजार रुपए देने पड़ रहे हैं, आपका डर बिल्कुल भी नहीं है। आपका जो डर है वो ये डर है कि मैं 12-13 हजार रुपए देने के बाद भी अगर मेरा काम नहीं चल पाया तो, मैं काम नहीं कर पाया तो। सर मैं मान लेता हूं कि आपका काम नहीं चल पाया तो, आपका काम नहीं हो पाया तो, मैं आपके साथ हूं 99% अगर नहीं हो पाया तो क्या होगा। सर आपके बच्चे उसी स्कूल में पढ़ेंगे जिस स्कूल में आज पढ़ रहे हैं, आपके लाइफ स्टाइल वैसी रहेगी जैसी आज चल रही है, आप उसी घर में रहेंगे जिस घर में आज रह रहे हैं। लेकिन सर थोड़ा सा मानते हैं कि अगर आपने प्रोडक्ट लिया और आपका काम नहीं चल पाया तो आपके प्रोडक्ट की, आपने बॉडी की सर्विसिंग होगी, आपके प्रोडक्ट काम आ गए, आपने यूज नहीं किए तो आपने 20% प्रॉफिट के साथ मार्केट में उसको बेच भी देते हैं। लेकिन सर 1% हम सोचते हैं कि इस सोच के साथ डर के बाद अगर आप डिसीजन ले पाए और आपने शुरुआत किया तो 1% की वजह से जिंदगी का हर सोची हुई चीज आप पूरी कर सकते हैं। जैसे कि हमारे कुछ लीडर्स हैं जिन्होंने ये चीज की है, सर बिहार से शिव कुमार जी, जिन्होंने नौकरी के साथ इस बिजनेस को पार्ट टाइम करने का डिसीजन लिया 1% सोच के साथ कि अगर हो गया तो, आज खुद की ओडी कार इस बिजनेस से मेंटेन कर रहे हैं, 55 लाख से ज्यादा की अर्निंग यहां से कर चुके हैं। मैंने भी सर इसी तरह से आप ही की तरह, मुझे डाउट था, डर था, लेकिन फिर भी मैंने सोचा करके देखता हूं अगर हो गया तो, शुरुआत अकेले की थी और आज इस बिजनेस में पार्ट टाइम करते करते खुद की जैगवार कार इस बिजनेस की वजह से मेंटेन कर पा रहा हूं। अब सर दूसरा हमें डर रहता है, वो ये डर रहता है कि हम बिजनेस तो कर लें, बात बड़ी नहीं है 12-13 हजार रुपए की, लेकिन मुझे तो कन्विंस करना नहीं आता, मैं प्रोडक्ट के बारे में लोगों को बता नहीं सकता, मैं लोगों को कन्विंस नहीं कर सकता, ये डर आपको सताता है। लेकिन इस डर
की जरूरत नहीं है यहाँ पे, इस कामयाबी यहाँ पे दिलाने के लिए हमारे पास में फाइटर सक्सेस सिस्टम हमारे साथ में काम करता है, कामयाब लीडर हमारी सपोर्ट करते हैं आपको कामयाब बढ़ाने के लिए। दुनिया का इकलौता ऐसा सिस्टम जहाँ पे कामयाब लोग एक साधारण आदमी को, नॉर्मल आदमी को बढ़ाने, आगे बढ़ाने में उसकी मदद करते हैं। जैसे कि हम अपने बच्चे को किसी स्कूल में एडमिशन कराते हैं, हम तो एक फ्रेशर बच्चे का एडमिशन कराते हैं, वहां वो स्कूल और उस सिस्टम में ढलता है और वही बच्चा आगे चल के डॉक्टर या आईएएस बन जाता है। क्या हुआ? क्योंकि वहां पे एक सिस्टम काम कर रहा था। सर वैसे ही हमारे यहाँ पे एक सिस्टम काम कर रहा है और हम भी इस सिस्टम में आने के बाद जो आज तक हमारे सोच और सपने आज तक पूरे नहीं हो पाए, ये सिस्टम हमें उसको पूरा कराने में मदद करता है और हम इसको पूरा करके मदद कर सकते हैं। तो सर आप शुरुआत कीजिए, यहाँ पे हम लोग डिसीजन लेते हैं, क्योंकि आज आपके सपने और सोच पूरी करने के लिए डिसीजन लेने की जरूरत है। और मुझे मालूम है आप जैसा समझदार आदमी जब ये सारी चीज क्लियर होने के बाद एक डिसीजन लेके हम जरूर यहाँ पे शुरुआत करेंगे। ओके सर, शुरुआत कीजिए और इस सिस्टम के साथ मिलकर काम करते हैं। सर मैंने आपको सुना, आपने सोच के बारे में बहुत अच्छा बताया, आपने समय के बारे में बहुत अच्छा बताया, लेकिन सर मैं एक जॉब करता हूँ, इसकी वजह से मैं काम नहीं कर पाऊंगा। सर कि आप बिजी हैं, लेकिन समझने वाली बात यह है सर कि आप बिजी हैं ये नहीं, आप बिजी क्यों है इस चीज को जानना पड़ेगा। क्योंकि हम लोगों ने क्या किया, अपने लाइफ में आगे बढ़ने के लिए अपने टाइम को किसी न किसी को बेच दिया, और इसलिए हमने बेचा क्योंकि हम जिंदगी में आगे बढ़ना चाहते थे, बड़ा बनना चाहते थे, और बड़ा बनने के लिए लोगों ने हमारा टाइम खरीद लिया। हमने बेचा कैसे कि कहीं हम नौकरी करते हैं सुबह से शाम तक 10 घंटे 12 घंटे हमें सैलरी मिले। फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करें कि हमें 10 घंटे काम करते हैं और 20,000 सैलरी मिलती है, और अगर हमें 30,000 सैलरी चाहिए तो हमें 5 घंटे ओवरटाइम करना पड़ता है। यस सर, लेकिन कभी अगर हम 10 घंटे की जगह 5 घंटे काम करते हैं तो हमारी वही सैलरी 20,000 से 10,000 पे आ जाती है। यानी कि इस चीज से एक चीज समझ में आती है कि टाइम इज मनी, यानी कि आप अपनी लाइफ के अंदर आपके लिए जितने घंटे काम हो रहा है, जितने टाइम आपके लिए काम हो रहा है, उतना पैसा आप कमा रहे हैं। ये बात हमने समझी कहां से, ये बड़े बड़े उद्योगपति बड़े बड़े लोगों ने इस बात को समझा कि आपको अगर बड़ा बनना है तो आपको टाइम के घंटे बढ़ाने पड़ेंगे। जैसे कि एक बड़े उद्योगपति ने क्या किया कि एक फैक्ट्री लगाई करोड़ों रुपए लगा के, उसके अंदर 1,000 लोगों को नौकरी पे लगा, और 1,000 लोगों को जब नौकरी पे रखा सर, तो 1,000 लोगों ने जब 8-8 घंटे काम किया तो फैक्ट्री मालिक के लिए पर डे 8,000 घंटे काम हो गया। यानी कि एक आदमी चाहे राजा का बेटा हो चाहे भिखारी का बेटा हो, हर आदमी के पास दिन में 24 घंटे का टाइम ही होता है, चाहे आप हो चाहे मैं हो चाहे कोई बड़ा उद्योगपति हो, अंबानी अडानी चाहे कोई भी, लेकिन उन लोगों ने एक दिन के अंदर 24 घंटे को 8,000 घंटे में कन्वर्ट कर लिया। क्यों? क्योंकि उन लोगों के पास पैसा था, इसलिए उन्होंने लोगों का टाइम खरीदा, टैलेंट खरीदा और मैन पावर खरीदी, और ये फॉर्मूला जिंदगी में सक्सेस है कि आज उनके लिए हजारों घंटे काम होता है। सर मेरे अपलाइन ने मुझे यही बात समझाई थी कि महिपाल अगर तुझे पैसे वाला बनना है, तुझे टाइम चाहिए, तो तू लोगों का टाइम खरीद के लोगों को सैलरी पे रख के और ये काम करके एक दिन में 8,000 घंटे और 10,000 घंटे भी काम कर सकता है। लेकिन सर मेरे पास ऐसा नहीं था, क्योंकि मैं नौकरी करता था, मैं किसी और को नौकरी पे नहीं रख सकता था। तो मेरे अपलाइन ने बताया कि इस प्रॉब्लम से निकलने के लिए एक ही धंधा है, डायरेक्ट सेलिंग, और उसमें असलीपियस वेलनेस के माध्यम से हम टाइम को कमा सकते हैं जैसे कि बाकी लोगों ने कमाया है। सर वही मैंने आज किया, आज से ठीक 1.5 साल पहले मैंने असलीपियस वेलनेस शुरुआत की। जब शुरुआत की थी तब मैं अकेला था, और आज काम करते 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 सिस्टम के साथ काम करते हुए आज मेरे साथ 50,000 से ज्यादा लोगों का नेटवर्क बन गया। अब सर एग्जांपल समझते हैं, 50,000 लोगों का नेटवर्क मेरे साथ आज ऑल ओवर इंडिया काम कर रहा है। अगर 50,000 में से ज्यादा नहीं, अगर 1,000 लोग भी पर डे अपने लिए 1-1 घंटे काम करेंगे, तो मेरे लिए आज पर डे 1,000 घंटे काम हो सकता है। सर मैं अपने लेवल पे ज्यादा से ज्यादा 12 घंटे 14 घंटे 15 घंटे काम कर सकता था, लेकिन इस सिस्टम की पावर है कि आज मेरी पर डे काम करने की कैपेसिटी बढ़ गई और आज पर डे 1,000 घंटे मेरे लिए काम कर रहा है। और यही कारण है कि जहां मैं नौकरी करता था तो 20,000 रुपए महीना कमाता था, और आज टाइम बढ़ने की वजह से आज हर महीने 14-15 लाख रुपए महीना के एवरेज यहां से आता है। आज पर डे बात करूं तो 50,000 से ज्यादा की इनकम मुझे यहां से आ रही है, क्योंकि मैंने यहां पर टाइम अपना बढ़ा लिया। और एग्जाम्पल हम समझते हैं कि अगर 50 आदमी मिलकर ताजमहल को बनाएंगे तो आप मुझे बताइए कितना टाइम लग जाएगा? सर बहुत साल लग जाएंगे, कई सालों लग जाएंगे, सही है। लेकिन उसी ताजमहल को बनाने के लिए हजारों लोग मिलकर ताजमहल बनाना शुरू कर दें तो कितने टाइम में बन जाएगा? जल्दी बनेगा, मतलब कुछ सालों में बन जाएगा। इसका मतलब ये है कि हमारे पास टाइम हो जाता है, घंटे काम करने के बढ़ जाते हैं, तो जिंदगी में जो पैसा और जो सक्सेस आप 100 साल में लेने वाले हैं, वो सक्सेस आपको यहाँ 4-5 साल में मिल सकती है। लेकिन सर
फिर भी आपने बोला कि मेरे पास समय नहीं है। सर कोई बात नहीं, आपके पास समय नहीं है, आपके समय मुझे चाहिए भी नहीं, मेरे को ऐसे इंसान की जरूरत है जिसके पास समय है, क्योंकि वो समय जिसके पास नहीं होगा वो यहाँ काम भी नहीं कर पाएगा, समय जिसके पास है वही यहाँ काम कर पाएगा, वही आगे बढ़ेगा, उसके साथ मिलकर हम भी आगे बढ़ेंगे। लेकिन सर एक बात का फर्क पड़ता है, आपने बोला समय नहीं है, मैं चला जाऊंगा आपके पास से, क्योंकि मेरे आपके साथ कोई इमोशन नहीं जुड़े हुए, मैं आपका कोई रिश्तेदार नहीं हूं, मैं आपके कोई परिवार का मेंबर नहीं हूं। लेकिन आप सोचिए एक बात, आपके परिवार में आपके मम्मी पापा भाई बहन वाइफ बच्चे कुछ ऐसे लोग हैं जिनके आपके साथ इमोशंस जुड़े हुए हैं, जो इनको आपके अंदर अपनापन दिखाई देता है। तो आपकी लाइफ में, मेरे साथ तो बहुत बार हुआ है, आपकी लाइफ में कभी ना कभी ऐसा हुआ होगा कि आपके बच्चे ने आपको बोला होगा पापा आज तो पेरेंट्स मीटिंग में जाना है, सब बच्चों के पापा आ रहे हैं, आपको भी चलना, और आप अपने बिजी शेड्यूल की वजह से आपने बोला सर मैं बेटा वहां आज नहीं जा सकता। आपने उस टाइम सोचा उस बच्चे की आंखों में देख के उसके ऊपर क्या गुजरी होगी जिसने इतनी बड़ी उम्मीद के साथ आपसे टाइम की मांग की थी। तो सर यही एक प्लेटफॉर्म है, आज हम लोग यहां पर शुरुआत करते हैं, और इस शुरुआत करने के बाद में मुझे ये बात समझ आ गई थी कि मेरे कुछ लोग अपने हैं जिनको मेरे टाइम की जरूरत है, और मैं उनको टाइम देना चाहता हूं, तो मुझे कुछ न कुछ अलग करना पड़ेगा। ये डायरेक्ट सेलिंग मुझे समझ में आया कि कितना ही जिंदगी में पैसे वाला आदमी हो, लेकिन उस पैसे को खर्च करने के लिए, उस पैसे को एंजॉय करने के लिए अगर उसके पास टाइम नहीं है अपने परिवार के साथ, तो उसके पास वो पैसा बेकार है। लेकिन आज मेरी लाइफ में ऐसा हुआ है कि आज मैंने यहां पर पैसा भी कमाया है, टाइम भी कमाया है, और आज मैं मेरे पूरे परिवार के साथ आराम से टाइम निकालता हूं, बीच बीच में जब टाइम चाहिए तब मुझे मिल पाता है। बस सर टाइम की प्रॉब्लम नहीं है आपको, एक डिसीजन लेने की प्रॉब्लम है। आज आप शुरुआत कीजिए, आप मूड बनाइए, डिसीजन लीजिए, हम मिलकर साथ काम करेंगे। योगेंद्र सैनी जी टाइम की प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी, आप हमारे साथ मिलकर काम करने के लिए तैयार हैं, आप मेहनत करने के लिए तैयार हैं, आप साथ देने के लिए तैयार हैं, आप ईमानदार और अच्छे इंसान हैं, साथ मिलकर काम करेंगे और एक दिन हमारी लाइफ में टाइम की कोई कमी नहीं रहेगी। ओके सर शुरुआत करते हैं। बिल्कुल सर आपने बहुत अच्छे ढंग से मुझे समय के बारे में बताया, सोच के बारे में बताया। सर मैं भी इस काम को करना चाहता हूँ, लेकिन क्या है सर कि मैं जॉब करता हूँ जिसकी वजह से सर मुझे अभी 12-13 हज़ार रुपये निकालने में थोड़ी मुश्किल होगी। सर बिल्कुल सही कह रहे हैं जोगेंद्र सैनी जी, मैं आपकी प्रॉब्लम को समझ सकता हूँ। आज के टाइम की एक आम आदमी की बहुत बड़ी गंभीर समस्या है कि उसके पास पैसे की प्रॉब्लम है। ये आपके लिए नहीं, ये मेरे लिए भी प्रॉब्लम थी आज से कुछ समय पहले, जब मेरे अपलाइन मेरे पास आए थे और इस कॉन्सेप्ट के बारे में उन्होंने मुझे समझाया था, तो मुझे भी सब चीजें अच्छी लगी थी, लेकिन मेरा सवाल यही था कि सर मेरे पास पैसे नहीं है। लेकिन सर उन्होंने मुझसे एक सवाल किया था, महिपाल जी ये बात बताओ कि आपके पास पैसे नहीं है और आप नौकरी किए जा रहे हो। सर मैं उस टाइम पिछले 10 साल से नौकरी कर रहा था। उन्होंने कुछ ऐसी बातें मुझे समझाई और कुछ ऐसी बातें बताई जो मैं सोचने पर मजबूर हो गया, और वो बातें मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूं। उन्होंने मुझे ये बोला सर कितने साल से नौकरी हो, मैंने बोला 10 साल से। फिर एक छोटा सा सवाल था कि सर 10 साल से नौकरी कर रहे हैं उसके बाद भी आप बोल रहे हैं कि आपके पास पैसे नहीं है, तो क्या गारंटी है कि आने वाले 10 साल के बाद हमारे पास पैसे का अरेंजमेंट हो जाएगा। सर मैं सोचने के लिए मजबूर हो गया था। उन्होंने मेरे को पैसे के महत्व के बारे में बताया कि जिंदगी के अंदर हर काम पैसे की वजह से होता है। जिंदगी की डेली दिनचर्या हो, चाहे हमारे शौक हो, चाहे जरूरतें हो, वो पैसे से ही पूरी होती है। तो सर उन्होंने बताया कि कल आपका बच्चा अगर बड़ा बनना चाहता है, बड़ी नौकरी करना चाहता है, और आज के टाइम में ऐसा है कि बड़ी नौकरी बड़ी जगह जाने के लिए आपको करोड़ों रुपए डोनेशन भी देना पड़ता है, तो मुझे बताया कि मेरा बच्चा बड़ा बनना चाहता था, बड़ा बन सकता था अगर मेरे पास करोड़ों रुपए का अरेंजमेंट होता तो, लेकिन इस वजह से अगर मेरा वो बच्चा कल को एक सामान्य नॉर्मल नौकरी करे तो मुझे ऐसा लगा कि मेरी एक गलती की वजह से, मेरी कुछ कमी की वजह से मेरा बच्चा जो जिंदगी में बहुत बड़ा बन सकता था, बहुत बड़ा नाम कर सकता था, आगे जा सकता था, वो बड़ा नहीं बन पाया, क्योंकि मैं अपने आप को कभी माफ नहीं कर पाऊंगा। यही कुछ चीजें थी जिनकी वजह से मैं सोचने पर मजबूर हो गया। ये मेरे दिल में एक दर्द उठा और मैं सोचने पर मजबूर हो गया कि महिपाल तू क्या कर रहा है, पिछले 10 साल से नौकरी कर रहा है और उसके बाद भी बोल रहा है पैसे नहीं है। क्योंकि सर एक चीज मैं आपको एग्जाम्पल देना चाहता हूं कि एक दर्द को मिटाने के लिए दूसरा दर्द तो लेना पड़ता है। जैसे कि आपके कभी पैर में कांटा लग गया, तो जोगिंदर सैनी जी आप मुझे ये बताइए कि आप पूरी उम्र लंगड़ा के चलना पसंद करेंगे या कांटे को निकालना पसंद करेंगे? हर आदमी निकालना पसंद चाहेगा। यस सर, और मैं भी निकालना ही चाहता था, और मुझे जरूरी है, हर आदमी को पता है कि एक कांटे को निकालने के लिए दूसरा कांटा चुभोना पड़ता है। और अपनी जिंदगी में हम लोगों ने पूरी उम्र एडजस्टमेंट किया, एडजस्टमेंट की हमारी आदत पड़ चुकी है, और एक कांटा अगर निकालना तो दूसरा कांटा जैसे निकालना लगाना पड़ता है, वैसे ही जिंदगी के अंदर मुझे पैसे की प्रॉब्लम खत्म करनी है। तो आज दोबारा से मुझे ये 12-13 हज़ार रुपए का स्लिपीएस के माध्यम से पैसे का अरेंजमेंट करना पड़ेगा। तो मुझे समझ में आया, मैंने कुछ दोस्तों से उधार पैसे लेके अरेंज
अरेंजमेंट करके मेरी जिंदगी भर के इस कांटे को निकालने के लिए उस पैसे का अरेंजमेंट किया। और सर आज रिजल्ट आपके सामने है। मैं आपको बताऊं कि पिछले 1.5 साल पहले शुरुआत की थी, आज 2.25 करोड़ रुपए से ज्यादा की अर्निंग मुझे उस कांटे को निकालने की वजह से हो चुकी है। आज लाइफ बिल्कुल बढ़िया हो चुकी है। आज मेरे बच्चों को, मेरे माँ बाप को, मेरे परिवार में कभी पैसे की जरूरत की प्रॉब्लम होती है, मुझे यह कहना नहीं पड़ता कि मुझे आज पैसे की प्रॉब्लम है। तो आप और हम जोगिंदर सैनी जी एक बार एडजस्ट करने की जरूरत है, एक बार आपको डिसीजन लेने की जरूरत है। यह डिसीजन आपको एडजस्ट करवाएगा कि आपके सोच के साथ आपके परिवार और बच्चों की सोच लगी हुई है कि हमारी कुछ ना करने की वजह से कल हमारे बच्चे अगर बड़े नहीं बन पाए तो हम अपने आप को कभी माफ नहीं कर पाएंगे। तो मुझे ऐसा लगता है सर, ये सारी चीजें मेरी साथ में आप समझने की वजह से आप जरूर पैसे का अरेंजमेंट करेंगे, जोर डिसीजन लेंगे और हम मिलकर शुरुआत करेंगे। तो क्या जोगिंदर सैनी जी पैसे का अरेंजमेंट हो सकता है? हाँ सर, हो सकता। तो सर बिल्कुल सीरियस होके आप डिसीजन लीजिए, मिलके हम शुरुआत करेंगे और ये पैसे नहीं है कि प्रॉब्लम आज के बाद में पूरी जिंदगी भर के लिए खत्म कर देंगे। बिल्कुल सर, बिल्कुल करेंगे सर। सर आपने अच्छे ढंग से समझाया समय के बारे में, पैसे के बारे में, सोच के बारे में। कहीं ना कहीं सर मुझे ये चीज अच्छी लगी और मैं करना भी चाहता हूँ सर, लेकिन मैं सर लोगों से मिलने में हिचकिचाता हूँ थोड़ा सा, तो मैं सर लोगों को नहीं जोड़ सकता। बिल्कुल, बहुत अच्छा सवाल किया आपने जोगिंदर सैनी जी। खुशी हुई आपका सवाल सुन के कि आपको लोगों से मिलने में हिचकिचाहट है और लोगों से आप जोड़ने का काम नहीं कर सकते। लेकिन मैं थोड़ा सा आपको क्लियर करना चाहता हूँ, यहाँ पे हमें किसी को जोड़ना नहीं है, हमें जोड़ने के लिए कुछ भी नहीं करना है। हमारे फाइटर सक्सेस सिस्टम के माध्यम से हिंदुस्तान के मैक्सिमम सिटीज में आज हमारा संडे का प्रोग्राम होता है और प्रोग्राम में जो भी ज्वाइन एसोसिएट हमारे होते हैं वो न्यू गेस्ट को वहां लाके सेमिनार अटेंड करवाते हैं और वहां समझाने के लिए हमारे अनुभवी लीडर होते हैं जिनके माध्यम से पूरी जानकारी दी जाती है, उनको कन्विंस किया जाता है। तो ये काम भी आपको करने की जरूरत नहीं है, ये सिस्टम और लीडर्स के माध्यम से कहीं ना कहीं ऑटोमेटिकली हो जाता है। ये हमारा सिस्टम यहां पर रन करता है और सिस्टम के माध्यम से हम लोग बड़े बन सकते हैं। तो सर आप बिल्कुल भी जोड़ने वाले टेंशन ना रहे। लेकिन एक चीज मैं आपको छोटी सी बता देता हूं आपकी जानकारी के लिए कि दुनिया में जिस जिस के साथ लोग जुड़े हैं वो आदमी बड़ा हुआ है। जैसे किसी स्कूल के साथ ज्यादा लोग जुड़ते हैं तो वो स्कूल बड़ा बन जाता है, किसी हॉस्पिटल के साथ या डॉक्टर के साथ ज्यादा लोग जुड़ते हैं तो वो डॉक्टर बना, किसी एक्टर के साथ ज्यादा फैन फॉलोअर हो जाते हैं तो वो सुपर स्टार बन जाता है, किसी मूवी को देखने वाले लोगों की संख्या ज्यादा होती है तो मूवी सुपर हिट हो जाती है, किसी नेता के साथ जब ज्यादा लोग जुड़ जाते हैं तो वो नेता बड़ा हो जाता है। आज बिल गेट्स बड़ा इसलिए है कि उसके पास दुनिया के सबसे ज्यादा लोग उसके साथ जुड़े हुए हैं। अंबानी इसलिए बड़ा है कि उसके पास दुनिया के ज्यादा लोग जुड़े हुए हैं। तो सर हम लोग कहीं ना कहीं जुड़ने वाले काम में तो आज हैं, लेकिन समझने वाली जोगिंदर सैनी जी एक बात है कि दुनिया में हर आदमी जुड़ने के काम है, लेकिन जुड़ने से पैसा नहीं आता, एक नेटवर्क का हिस्सा बनने से पैसा नहीं आता। क्या हम कुछ ऐसा काम कर रहे हैं कि यहां पे हम अपना नेटवर्क बना रहे हैं? आज जितने भी बड़े लोग हैं उन सब लोगों ने अपना नेटवर्क बनाया है और जिन जिन ने बड़ा नेटवर्क बनाया है वो लोग आज बड़े बने हैं। तो आज हमारे पास असली पेस वेलनेस के माध्यम से मौका है कि हम भी इस मिशन में साथ दें, शुरुआत करें और हम अपना नेटवर्क बनाएं और कल हम भी जैसे मैंने कुछ लोगों के एग्जांपल आपको बताए उनकी तरह हम भी यहां पे बड़े बन सकते हैं और ये सिस्टम हमारी मदद करेगा। तो हम शुरुआत करते हैं जोगिंदर सैनी जी, आप और हम मिलकर एक दिन बहुत बड़ा काम करेंगे। सर यदि ऐसा है, आपका सिस्टम ऐसे काम करता है तो सर आपके साथ काम करने में बड़ी खुशी होगी। बिल्कुल सर, बिल्कुल सर, आपने जो बताया जो समझाया मैं सेटिस्फाइड हूँ, संतुष्ट हूँ, लेकिन सर कहीं ना कहीं मुझे एक बार घर वालों से भी बातचीत करनी पड़ेगी, तो सर एक बार घर वालों से पूछ के बताऊंगा। बिल्कुल सर, सही बोला आपने, बहुत अच्छा लगा कि आप अपने घर वालों की सलाह से ही हर डिसीजन लेते हैं और उनसे पूछ के ही हर काम करते हैं। ये बहुत अच्छी बात है क्योंकि घर में सब मिलकर अगर कोई फैसला लेते हैं तो वो ज्यादा अच्छा रहता है सर। लेकिन एक चीज छोटी सी मैं कुछ चीज आपके साथ शेयर करना चाहूंगा कि घर वाले हमें किस विषय में ज्यादा अच्छी जानकारी दे सकते हैं जिनको उस बारे में पहले से जानकारी है उस बारे में, या जिसके बारे में बिल्कुल भी जानकारी नहीं है उसके बारे में, यानी कि जिसके बारे में पहले से उनको जानकारी है। तो आज मैंने आपके साथ बैठा, मैंने पिछले 4-5 घंटे से आपके साथ कुछ बातें डिस्कस की, क्या ये बातें आज से पहले आपको मालूम थी? नहीं थी। और इन बातों के बारे में मैं इस बारे में हेल्थ अवेयरनेस के बारे में, इस बिजनेस कॉन्सेप्ट के बारे में, असली पेस वेलनेस के बारे में आज से 2-4 दिन पहले आपसे आता और पूछता सर इसके बारे में मुझे कुछ एडवाइस दीजिए, आप मुझे कुछ बताइए, तो क्या आप मुझे बता पाते? बिल्कुल नहीं बता पाते, क्योंकि आज से पहले इसके बारे में आपको जानकारी नहीं थी। लेकिन आज आपको इसके बारे में जानकारी हो गई, पिछले 4-5 घंटे से हम बैठ के इसके बारे में डिस्कस कर रहे हैं, आपके कुछ सवाल थे वो भी हम लोगों ने क्लियर किए। और घर वाले जानकारी तब दे सकते हैं जब उनको इसके बारे में पूरा नॉलेज हो। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि जोगिंदर सैनी जी आपके गांव के अंदर कुछ प्रॉपर्टी है, कुछ प्लॉट है, अगर आप मम्मी पापा से बोलते हैं कि मुझे मैं प्रॉपर्टी लेनी है, इसमें फायदा हो सकता है, तो वो आपको जस्ट हां बोल देंगे, यस।
लेकिन उससे भी ज्यादा बेनिफिट देने वाली, उससे भी ज्यादा अच्छी प्रॉपर्टी और ज्यादा इन्वेस्ट करने वाली चीज आपको मुंबई या दिल्ली में कोई है जिसके बारे में घर वाले नहीं जानते हैं, अगर हम उन लोगों को जाके पूछते हैं कि मम्मी पापा को या वाइफ को कि इसके बारे में मुझे बताइए, तो मुझे ऐसी उम्मीद है शायद वो उस बारे में नहीं बता पाएंगे और ना ही आपको कभी सजेस्ट करेंगे कि आपको वहां पे इन्वेस्ट करना चाहिए, क्योंकि उसके बारे में उनको नॉलेज नहीं है। तो सर घर वालों से बिल्कुल पूछना चाहिए, लेकिन हमें क्या पूछना चाहिए वो मैं आपके साथ शेयर करना चाह रहा हूं। हमें घर वालों से ये पूछना चाहिए कि क्या हमारे घर में एक अच्छी कार की जरूरत है या नहीं है, क्या हमें एक बहुत अच्छे घर की जरूरत है या नहीं है, शहर में एक अच्छे घर की जरूरत है नहीं, बच्चों के लिए एक अच्छी एजुकेशन की जरूरत है या नहीं है, हमें एक अच्छी लाइफ स्टाइल की जरूरत है या नहीं है, ये चीजें हमें पूछने की जरूरत है। और मुझे लगता है इसके अंदर आपके घर वाले हमेशा ये चाह रहे होंगे कि इन सब चीजों की जरूरत आपके घर के अंदर है। और यही चीज है सर, छोटी सी एक एग्जांपल कि अगर हम सचिन से जाके शतरंज के बारे में कुछ पूछें तो क्या सचिन कभी बता पाएगा? नहीं बता पाएगा, क्योंकि सचिन शतरंज के बारे में नहीं बता सकता, सचिन क्रिकेट के बारे में बता सकता है। शतरंज के बारे में अगर हमें जानना है तो विश्वनाथ आनंद से ही जानना पड़ेगा। वैसे ही सर, आज से पहले अगर आपके घर में आपके परिवार में कोई डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री या स्लीपियस वेलनेस में काम करके बहुत अच्छी इनकम ले रहा है या कोई कमा रहा है, तो आपके घर वाले एकदम से आपको बोल देंगे कि आपको एक काम करना चाहिए, नहीं तो जिस तरह प्लॉट के लिए मना किया था वैसे आपको भी मना करेंगे, क्योंकि वो आपके बारे में अच्छा सोचते हैं, आपके बारे में भला सोचते हैं, आपको आगे बढ़ते हुए देखना चाहते हैं। तो जोगिंदर सैनी जी, आज घर वालों से पूछने की जरूरत नहीं है, आज घर वालों को प्रूफ करके दिखाने की जरूरत है, आज डिसीजन लेके कुछ करने की जरूरत है। सर मिलके शुरुआत करते हैं, आपको शायद मुझे लग रहा है सारी बातें समझ में आ गई, तो हम मिलके शुरुआत करेंगे और प्रूफ करके दिखाएंगे घर वालों को कि यहां से भी करियर बन सकता है। बिल्कुल सर, मैं डिसीजन अभी लेता हूं सर। ओके सर। सर बहुत सारी कंपनियां चल रही हैं, बहुत सारे प्लान मैंने देखे हैं, तो सर आप मुझे ये बताइए कि एसलीपीएस वेलनेस ही क्यों? बिल्कुल जोगेंद्र सैनी जी, मुझे बहुत अच्छा लगा आपके मुंह से सवाल सुन के, और मुझे खुशी है कि आपने इतना बेहतरीन सवाल किया है। आज ये पूरी हिंदुस्तान नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री को लेके आपने सवाल किया है, और इससे एक चीज प्रूफ होती है कि आप अपनी जिंदगी में बहुत बड़ा बनना चाहते हो और इस इंडस्ट्री में आके आप बहुत आगे तक जाना चाहते हो, इसीलिए आपने सवाल किया, नहीं तो कहीं भी आप डिसीजन ले सकते थे। कुछ चीजें हैं जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगा, डिस्कस करना चाहूंगा, थोड़ा आप ध्यान से समझिएगा। सर होता क्या है, नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री पूरी दुनिया में 70 साल पहले आई, और नो डाउट दुनिया की सबसे खूबसूरत और सबसे बेहतरीन अगर वो इंडस्ट्री है तो वो डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री है। हिंदुस्तान में आज से 20 साल पहले इस इंडस्ट्री का आगमन हुआ, 20 साल पहले शुरुआत हुई, लेकिन हमारा दुर्भाग्य समझिए चाहे विडंबना देखिए कि आज 20 साल से इस इंडस्ट्री को शुरुआत होने के बाद भी आज 90% से ज्यादा लोग समाज इस इंडस्ट्री को लेकर आज नेगेटिव है। इस इंडस्ट्री में काम करने वाले आदमी को अच्छा काम नहीं माना जाता है। ऐसे कुछ कारण थे जिनको हम लोगों ने सर्च किया और जिसके बाद मुझे भी ऐसा फील हुआ।